जबलपुर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा गढ़ा थाने में घेराव किया गया। संगठन ने शराब पीकर रात में परेशान करने वाले पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। संगठन के राहुल रजक ने बताया कि शैलेंद्र यादव और वीरेंद्र यादव नशे की धुत में रात को पेट्रोलिंग कर रहे थे। शारदा चौक के पास दो छात्रों को उन्होंने रोका और कहा कि कहाँ जा रहे हो। कुछ छात्र मायूस होकर बोले, सर हम लोग पेट्रोल डलाकर घर जा रहे हैं। तो वह इतने नशे में थे कि उतरते साथ छात्रों को मारने लगे और गंदी गंदी गालियां भी दी। इसके बाद छात्रों ने NSUI से संपर्क किया और NSUI ने रात को ही गढ़ा थाने पहुंच वहां पर उन छात्रों का मुलाहिजा कराया, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की रिपोर्ट नहीं लिखी गई और ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई की गई। आखिर कहाँ का न्याय है? NSUI के राहुल रजक ने बताया कि विपुल रजक NSUI का कार्यकर्ता है, लगातार छात्रों की लड़ाई करता रहता। कल रात्रि में घर में एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे अपने चाचा चाची को शारदा चौक के पीछे उनका घर है वहाँ छोड़ने गया। जैसे ही वहाँ से लौटा तो मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैं पेट्रोल पंप पर गया पेट्रोल डलवाने। जैसे ही वहाँ से आगे आया तो गढ़ा थाने के शैलेंद्र नशे की धुत में मुझसे बोले, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला, भैया का इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने उतरते साथ लठ मारना चालू कर दिया और गंदी गंदी गाली देने लगे। बोले, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। और पुलिस वाले ने उससे भी गाली गलौज किया और बदतमीजी करने लगा। उसके बाद मैं गढ़ा थाने से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट लिखाने गए। वहाँ पर जब मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैंने जबलपुर SP को कॉल लगाया। जबलपुर SP ने निर्देश दिया तिलवारा TI को कि जल्द से जल्द थाने में उपस्थित हुए। तिलवारा TI के द्वारा मुझे मुलाचा के लिए लेकर गए। उसके बाद वापस आया तो पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि आप अब घर जाइए, इनके ऊपर कार्रवाई हम कर देंगे। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। NSUI ने आज गढ़ा थाने का घेराव किया और मांग की जल्द से जल्द अगर कांस्टेबल पर कार्रवाई नहीं होती तो NSUI SP ऑफिस का घेराव करेगी। कल रात में गढ़ा थाने के दो पुलिस कांस्टेबल शैलेंद्र यादव और वीरेंद्र यादव पेट्रोलिंग में थे। लगातार हमें रात को जानकारी आई कि ये राहगीरों को नशे की धुत में परेशान कर रहे हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पर रात को पहुँचे तो उन्होंने हमारे एक कार्यकर्ताओं को पकड़ा और वो वहाँ पर खड़ा था, उनसे सवाल बस किया कि बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भैया हम घर जा रहे हैं। उन्होंने उतरते ही साथ उसको मार दिया। फिर उसने हमें संपर्क किया, हम सीधे उसको थाने लाए, गढ़ा थाने उसका मुलाहजा कराए, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी उन दोनों कांस्टेबल के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। आज हम सब NSUI के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर घेराव किया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो NSUI जल्द SP ऑफिसर घेराव करेगी। राहुल रजक NSUI पूर्व प्रदेश सचिव। शिकायत आई है क्या? कल रात्रि की बात है, कुछ लड़के गढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़े थे जिन पर पेट्रोलिंग द्वारा उनको वहाँ से हटाया गया। तो रात में ही जो कुछ युवक हैं वो यहाँ पे आके कंप्लेंट कर रहे थे कि उनके द्वारा जो पुलिस को हटाया गया वहाँ से वो बल प्रयोग किया गया, जिसके लिए उन्होंने शिकायत दी कि इसकी विधिवत जांच की जाए और जांच में जो भी तथ्य आते हैं उनको 3 दिवस के अंदर अवगत करवाया जाए। सर, ये पुलिसकर्मियों के जो नाम आ रहे हैं सामने, इनके पहले भी कई शिकायतें हुई? इन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मेरे समक्ष तो पहली बार शिकायत आई है। इन पर जो भी जांच होगी, अगर इसके पूर्व में भी इनके विरुद्ध अगर ऐसी कोई शिकायत आई होगी तो वो भी देख ली जाएगी, उसको भी इसमें शामिल करेंगे। जबलपुर से आशीष बात्री की रिपोर्ट।